मैं रूम टूर करवाने आ रहा था आप लोग को यार, तो ऑलरेडी तैयार बैठे हो। हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेरा रूम टूर करवाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि मैंने YouTube पे वीडियोस बनाने के लिए अपना रूम कैसे तैयार किया है, क्या क्या चेंजेस लाया हूँ और क्या चीज़ें थी पहले से और क्या चीज़ें नहीं लाया हूँ, क्या चीज़ें हटा दी हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे गेट से। ये देख सकते हो, ये मेरा डिपार्चर और अराइवल गेट है मेरे रूम का, जहाँ से मैं आता हूँ और जाता हूँ, कोई भी आता है और जाता है। और जो सबसे मेजर चेंज मैं लेके आया हूँ मेरे रूम में, वो है ये एसी। पहले एसी नहीं था, जिसकी वजह से ये वाला रूम सबसे ज़्यादा गर्म रहता था और मेरा टॉप फ्लोर पे है तो छत है ना, वो बहुत ही गर्म हो जाता है दिन भर गर्मियों के दिनों में, और जितनी भी उसकी गर्मी है वो पंखे के ज़रिए नीचे आती है, तो मुझे बहुत गर्मी लगती थी मेरे रूम में, तो एसी बहुत ज़रूरी था यार, वो ऐसे भी लगवाना था मुझे। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी खिड़की है, और ये खिड़की के बाहर मैंने पर्दा ही लगाया हुआ था, लेकिन अभी मैंने वो पर्दा निकाल के मैंने ये ग्रीन स्क्रीन डलवा दिया है, बिकॉज इससे मेरे दो काम हो जाएंगे, मेरा पर्दा भी बन जाएगा और साथ में हम जब भी कोई वीडियोस बनाते हैं ना दोस्तों, तो वीडियो के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एडिट करते वक्त अगर ग्रीन स्क्रीन रहेगा बैकग्राउंड में तो ईजिली एडिट हो जाता है, रिमूव हो जाता है और हम जो भी अपना मन चाहा बैकग्राउंड है वो डाल सकते हैं। तो मेरे दोनों काम हो गए, इससे मेरा पर्दा भी बन गया और मेरा ग्रीन स्क्रीन भी यहीं बना लिया मैंने मेरे बेड के बाजू में। और ये आप देख सकते हो मेरा बेड, ये मेरा बेड है और सामने मेरी फोटो फ्रेम है। अच्छा, फोटोज भी देखनी है, इंस्टा पे फॉलो कर दो यार, इंस्टा पे मेरी सारी फोटोज रखी हुई है वो वाली। और इसके बाजू में हाँ, ये देख सकते हो आप, ये मेरा रेजिस्टेंस बैंड है, तो जब भी मुझे वर्कआउट करने का मन होता है तो ये रेजिस्टेंस बैंड से मैं वर्कआउट थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेता हूँ। और दिखाऊँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा ट्राइपॉड है, तो जिससे मैं वीडियोस बनाता हूँ, और ये ट्राइपॉड कोडेक का लिया है मैंने, इस पे मोबाइल को स्टेबल रख के या फिर कैमरा जो भी हो उसमें स्टेबल रख के मैं वीडियोज़ भी शूट कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बेड के बाजू में ये मेरा योगा मैट है, तो कभी भी मुझे वर्कआउट वगैरह करने का मन होता है, मैं रोज़ नहीं करता हूँ वर्कआउट के मामले में, मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो जब भी मुझे वर्कआउट करने का मन होता है मैं अपने रूम पे शुरू हो जाता हूँ। और यहाँ पे भी एक खिड़की है दोस्तों, जहाँ पे पर्दा ऑलरेडी लगाया हुआ है, ऐसा सेम पर्दा यहाँ पे लगाया हुआ था जिसको हटा के मैंने ग्रीन स्क्रीन लगवा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डंबल रखा हुआ है, जो सेम कभी वर्कआउट करने का मन किया तो ये थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स मैंने रखे हुए हैं, जिससे मैं कभी कभी अगर मन कर जाता है तो वर्कआउट कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने चेयर खरीदा हुआ है स्पेशली यहाँ पे बैठ के डेस्कटॉप ऑपरेट करने के लिए, ये ऐसा चेयर मेरे पास नहीं था, प्लास्टिक का तो था लेकिन एक ढंग का चेयर नहीं था, तो वो भी ले लिया है मैंने। और ये कंप्यूटर टेबल मेरा ऑलरेडी तैयार था पहले से, बिकॉज मेरे पापा ने 15 साल पहले जब ये घर लिया था तो फर्नीचर वगैरह सब कुछ पहले से अच्छे से बनवा के ही रखा था, और उस टाइम पर मैं डेस्कटॉप खाली नए नए शुरू में 4-5 साल ऑपरेट किया मैंने, उसके बाद मैंने कभी डेस्कटॉप ऑपरेट नहीं किया, उसके बाद मैं लैपटॉप यूज़ करता था, तो अभी ऐसा मौका आया वापस डेस्कटॉप यूज़ करने का, तो मेरा कंप्यूटर टेबल वापस यूज़ में आ गया। और उसके नीचे आप देख सकते हो वहाँ पे मेरा प्रिंटर रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे बैग्स रखे हुए हैं, और ये मेरा वार्डरोब है दोस्तों, इसे खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अंदर पूरा मेस्ड अप है, तो क्योंकि वो बोलते हैं ना लड़कों का वार्डरोब कैसा होता है, आप खोलते ही सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं, उतना खराब नहीं है लेकिन हाँ ऑर्गेनाइज नहीं है। तो देख सकते हो बस यही मेरा रूम था, अब ओवरऑल आपको दोनों साइड से व्यू दे दूं, तो यहाँ से मेरा सेटअप का व्यू है और यहाँ से मेरा बेड का व्यू है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा रूम, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए यार। थैंक यू, बाय बाय, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, भूलना मत। Thank you. Bye-bye.